नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है, इसमें हम कोपा ट्रेड के छात्रों के लिए एक मस्त क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रश्न लिखा हुआ है, क्रिएट ए मल्टीप्लीकेशन टेबल इन एक्सल। एक से लेकर 20 तक के जो पहाड़े होते हैं वो आपको एक्सल टेबल के अंदर लिखने हैं। यह जो प्रश्न है ये आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम में भी पूछा जाता है, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो विद्यार्थी आईटीआई कोपा ट्रेड से जो पास आउट हो चुके हैं, वो जो अपनी अप्रेंटिसशिप की तैयारी कर रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप के अंदर उनसे कंप्यूटर का जो टेस्ट लिया जाएगा, उसमें भी आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपको एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बना के दिखानी है एक से लेके 20 तक की। ठीक है, तो जो विद्यार्थी अप्रेंटिसशिप की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं इस इमेज को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने पहले से जो है ये लिख के रखा हुआ है, टेबल क्रिएट बाय सोनू, यानी कि मेरे द्वारा टेबल को क्रिएट किया गया है। आपको टेबल लिखना है ऊपर, भाई टेबल सोनू ने क्रिएट किया, अपने पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद इस तरह से टेबल लिखनी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, उसके बाद 11, और उसके बाद यहाँ से 200 तक। अब इसको कंट्रोल प्लस पी या फिर कंट्रोल प्लस F2 बटन प्रेस करेंगे तो इसका प्रिंट प्रीव्यू आप देख पाएंगे कि प्रिंट होने के बाद ये किस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको ये इमेज तैयार करनी है। ठीक है, इसका प्रिंट आपको निकाल के देना है, तो आप अप्रेंटिसशिप के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे, या फिर अगर आपका प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन है तो आपको इसके अंक मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पूरे डेटा को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो टेबल है, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इस एक्सेल को ही जो है फिर से नया ले लेता हूँ, इस ताकि ये बॉर्डर वगैरह कुछ भी ना आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक्सेल को फिर से ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल को मैंने ओपन कर लिया है नए तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम टेबल लिखेंगे तो कोशिश करें कि जो आप पहाड़े लिखेंगे वो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि ऊपर जो हम हमारा नाम भी लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको कुछ और डेटा लिखना होता है जिसमें आपको वैल्यूज़ को फिक्स करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे 1। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कॉर्नर पर जैसे ही माउस लेकर के आएंगे, इस प्लस के निशान पर क्लिक करके अपने माउस से ड्रैग कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ड्रैग कहाँ तक करना है, 10 तक करना है। जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो इस कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद फिल सीरीज़ पर क्लिक कीजिए। अगर अंक पूरे ना हो 10 तक तो फिर से इसको क्लिक करके 2 अंक और बढ़ा दीजिए। फिर से कॉर्नर पर क्लिक कीजिए, फिल सीरीज़ कर दीजिए। तो आप देखोगे 1 से लेके 10 तक के अंक आ चुके हैं। अब हमारी ये जो कॉलम है, ये जो ए कॉलम है, इसके अंदर भी हमें वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो हम फिर से 1 लिखेंगे और कॉर्नर पर इस तरह से क्लिक करके जो है इसको इस तरह से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। फिर से इस कॉर्नर पर क्लिक करेंगे और फिल सीरीज़ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपने देखा 1 से 10 तक के अंक यहाँ आ गए और 1 से 10 तक के अंक यहाँ आ गए, और इन्हीं से हमारा पहाड़ा बनता है। जैसे 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, तो अब हम फार्मूला लिखेंगे इन सेल्स के अंदर, क्योंकि ये इस तरह से हो रहे हैं और फिर इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सेल हैं इनके अंदर फार्मूला हमारा अप्लाई होना चाहिए, ताकि ये जैसे 3, ठीक है, और 3 5 15। ठीक है, तो यहाँ पे 15 आना चाहिए, तो फार्मूला हम इन सेल्स के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको कर्सर लेके जाना है और फार्मूला लिखने के लिए जो इक्वल टू का निशान होता है उसको यहाँ पे लिखना है। अब हमें सेल्स को सेलेक्ट करना है, तो एक तो हमारा सेल ये है, इसकी गुणा और इसकी गुणा होगी तभी एक यहाँ पर लिख के आएगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। उसके बाद हम इस दूसरे सेल को सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर होगा का, जब मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ तो 1 तो आ जाएगा। जब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, ये जो फार्मूला है ये सिर्फ इसी सेल पर अप्लाई होगा और इस पर भी सही तरीके से नहीं होगा, ये वैल्यू अजीब तरीके से आपको रिएक्ट करेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और फिर से इस सेल पर आता हूँ। तो यहाँ पर हम आप देख सकते हैं हमारा जो फार्मूला है वो कम्प्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, मैं इसको आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। मैं इस फार्मूले को दोबारा से हटाता हूँ, इसको थोड़ा जूम करता हूँ पहले। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कर्सर लेके जाएंगे, फिर से हम फार्मूला लिखेंगे, इस ऊपर वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसकी गुणा करेंगे किससे, इस दूसरे वाले 1 से। ठीक है, तो सिंपल इतना तो आपको लिखना है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो ये रो है और ये जो कॉलम है ये हमें फिक्स चाहिए, तो फिक्स करने के लिए हम डॉलर सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले तो हमें जो ये वाली हमारी कॉलम है इसको हमें फिक्स करना है। इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो दूसरा है ये आप देखोगे ए ए है, इस तरह से ए ए नहीं आएगा, यहाँ पर ए थ्री आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो सेल है ये ए थ्री है, इसका एड्रेस ए थ्री है, ठीक है। तो बी वन बी टू, ये बी टू है और ये ए थ्री है, तो इनकी हमें यहाँ पे गुणा करनी है। तो ये यहाँ पे इस तरह से लिखना होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इस रो को और इस कॉलम को फिक्स करना है। तो रो को फिक्स करने के लिए जो रो का नंबर है दो, उससे आगे हम जो है डॉलर का सिंबल लगाएंगे। तो रो को फिक्स करने के लिए इस दो जो अंक है उसके आगे डॉलर का सिंबल लगाएंगे, और इस पूरे कॉलम को फिक्स करने के लिए हमारा जो ए अल्फ़ाबेट है उसके आगे हम डॉलर का सिंबल लगाएंगे। जैसे ये वाला हमारा ए अल्फ़ाबेट है और इसके आगे हम जो है डॉलर का सिंबल लगा देंगे। अब सिंपल हम यहाँ पे जो है एंटर बटन प्रेस करेंगे और अब हमारा फार्मूला अच्छे से काम करेगा, यानी कि हमारी ये वाली रो और ये वाला कॉलम फिक्स हो गया है। मतलब सिर्फ इन्हीं अंक को उठाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेगा इसकी इसकी, ठीक है, इसकी इसके साथ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से ड्रैग करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे स्टार्टिंग के जो रो के नंबर वो आ चुके हैं। अब हम फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, ठीक है। तो जितना एरिया आप सेलेक्ट करके ड्रैग करोगे उतना ही एरिया पर ये अप्लाई होगा। तो मैं पूरी की पूरी रो को सेलेक्ट करके जो इस तरह से ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा फार्मूला पूरी टेबल पर अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमने फिक्स किया है किसको, हमारे कॉलम को और रो को। तो वो कैसे पता चलेगा, देखो किसी भी सेल पर आप क्लिक करोगे तो आप एक बार नोटिस करोगे कि डॉलर के बाद जो सिंबल हैं वो चेंज नहीं होंगे, जैसे कि डॉलर का दो और डॉलर ए, ठीक है। तो किसी भी सेल पर आप क्लिक करो, ठीक है, तो जो डॉलर का सिंबल है वो चेंज नहीं हो, डॉलर के बाद जो सिंबल है बाकी सभी में चेंजेस होंगे, ठीक है। तो इनको जो फिक्स किया जा चुका है कि हमारी जो रो है वो फिक्स रहेगी और हमारा जो कॉलम है वो फिक्स रहेगा, केवल उन्हीं की मल्टीप्लिकेशन करके हमें ये वैल्यू बनानी है, ठीक है। तो किसी भी सेल पर क्लिक करके आप देख लीजिए प्रैक्टिकल में कि डॉलर के बाद जो अंक है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हम हमारा ये तो हो गए 10 तक के पहाड़े, अब हम क्या करेंगे 11 से लेकर 20 तक के भी लिखेंगे। तो वो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 11, और इसको कॉर्नर पर क्लिक करके इस तरह से ड्रैग कर देंगे, फिर से कॉर्नर पर क्लिक करेंगे, फिर सीरीज़ को क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पर 11 के बाद एक, क्योंकि 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से 1 से लेकर 10 तक के अंक हमें यहाँ पर लेने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ तक माउस को लेके जाएंगे, कॉर्नर पर क्लिक करेंगे, फिर सीरीज पर क्लिक करेंगे। अब हमें फिर से वही फार्मूला यहाँ पे लिखना है, इक्वल टू का निशान ये वाला सेल और इसकी गुणा किससे होगी, एक से होगी। तो ये वाला सेल, ये हमारे सेल के एड्रेस हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो ये रो है और हमारा जो ये कॉलम है इसको फिक्स करेंगे। तो रो का नंबर है 14, सेल को यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब आप देखोगे बी डॉलर 14, यानी कि हमारी ये रो, ठीक है, और हमारा ए, ठीक है, हमारा जो कॉलम ए है उसको हमें फिक्स करना है। ए से पहले हम डॉलर का सिंबल लगाएंगे और ए इस तरह से एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब हम इसके कॉर्नर पर माउस लेकर के जाएंगे, इसको ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और फिर से इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, तो ये पूरे के पूरे पहाड़े आपके आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको यहाँ से जो है क्लिक करेंगे इस रो पर, और इस पर राइट क्लिक करके इसको कर देंगे हाइड, और इस कॉलम को भी कर देंगे हम हाइड, डिलीट नहीं करना है, हाइड करना है, ठीक है। उसके बाद हम इनको सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, और हम इनको जो है बॉर्डर दे देंगे फॉन्ट एलिमेंट के अंदर जा करके, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है इनको बॉर्डर दे देनी है, मैं यहाँ पे इनको बॉर्डर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो रो है इसको भी हम हाइड कर देते हैं। हाइड करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब आप इसको जब प्रिंट करोगे या फिर Ctrl+F2 बटन प्रेस करोगे तो देखोगे कि ये किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक के जो आपके पहाड़े दिखाई दे रहे हैं, 10 जो 10 नंबर से जो आपका था अल्फाबेट वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो क्यों नहीं दिखा है, क्योंकि आपका पेज का मार्जिन जो है आपने कम सेट करके रखा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे आप वापस आओगे तो यहाँ पर एक डॉट डॉट से एक बिंदु नज़र आएगा, ये आपके पेज का मार्जिन है, इसको आप कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप अपने सेल जो है इनकी विड्थ को कम कर दीजिए, दूसरा तरीका है कि आप इस
ये जो आपकी जो आपके ये वर्टिकल जो आपका पेज के मार्जिन है इसको आप बढ़ा दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेज लेआउट के अंदर जाते हैं, इसकी मार्जिन को थोड़ा बढ़ा के देखते हैं। मार्जिन हम सेलेक्ट कर देते हैं नैरो, ठीक है। तो जैसे ही आपने नैरो सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं ये जो बिंदु बिंदु वाली जो लाइन थी या बॉर्डर, ये आपको बताती है कि आपका पेज यहाँ तक प्रिंट होगा। तो अब हमारा डेटा जो है सही तरीके से पेज पर आ जाएगा। साथ ही हम पेज का जो साइज़ है वो A4 कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे मार्केट में प्रिंटर होते हैं वो हम A4 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कंट्रोल प्लस P करके देखते हैं, या फिर हमें हमारे पास एक और काम यहाँ पे रह गया, इस पूरे जो हेडिंग में हमने नाम लिखा था वो भी यहाँ पे लिखना है। तो होम टैब के अंदर जाएंगे, यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिए, जैसे मेरा नाम है सोनू। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इसको जो बढ़ा दीजिए, ठीक है, इस तरह से अंडरलाइन कीजिए, और जिस तरह से चाहें आप इसको जो है डिज़ाइन दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस सेल को यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे इस तरह का दे देता हूँ। सिंपल काफ़ी है, मैं आप जैसा चाहें उस तरह से एडिटिंग कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फिर से कंट्रोल प्लस F2 बटन प्रेस करेंगे और उसको प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे कि प्रिंट होने के बाद ये कैसा दिखाई देगा। अब आप देखोगे कि ये जो हमारा डेटा है ये पेज पर जो है लेफ्ट साइड में ज़्यादा जा रहा है और राइट साइड में मार्जिन इसकी ज़्यादा है, लेफ्ट साइड में कम है। तो इसको हम कैसे सेट करेंगे, तो इसके लिए आपको वापस टेबल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे शो मार्जिन पर आपको क्लिक करना है, आपको मार्जिन दिखाई देगी यहाँ पर आप, ठीक है। और ये जो मार्जिन, इस पर आपको कर्सर लेकर के जाना है और इस तरह से आपको इसे ड्रैग करना है, ठीक है, और अपनी सुविधा के अनुसार इसको सेंटर में जो है एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपको सिंपल करना कुछ नहीं है, इस मार्जिन को हटा देना है और जब आप देखोगे कि तो प्रिंट होने के बाद आपका पेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सो बड़ी आसानी से जो आप टेबल क्रिएट कर सकते हो अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अंदर और अपने अप्रेंटिसशिप जो आपका टेस्ट होता है उसके अंदर भी। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।